आज 27 फरवरी हमारा पिछले 24 घंटा में सभी जिला में ड्राई वेदर था। अभी हमारा डे टेम्परेचर व मैक्सी टेम्परेचर हॉट वेदर कंडीशंस चल रहे कुछ कुछ प्लेसेस में। मेनली हमारा भुवनेश्वर सिटी एरिया में भुवनेश्वर सिटी में हमारा कंट्री का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था कल, जो 40.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। और हमारा उड़ीसा का बाकी और दो कुछ जगह में स्वाभाविक से टेम्परेचर 5 डिग्री और मोर है, जैसा हमारा बालासोर, चांदबली, बारीपदा ये सब जगह में रिकॉर्ड हुआ है। इसमें टेम्परेचर जैसा हमारा बारीपदा में 38.6 था, सेकंड हाईएस्ट। उसका बाद हमारा 37-38 इस रेंज में और भी कुछ जगह में था। अभी हमारा भुवनेश्वर का जो रिकॉर्ड है इसमें पिछले 10 साल का देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 2016 में था, फरवरी मंथ का। फरवरी मंथ में भुवनेश्वर सिटी में 40.9 20 फरवरी 2016 में था। तो उसका बाद फिर कल जो 26 फरवरी 2021 में हुआ है कल 40.4 वो हाईएस्ट है। और ऑल टाइम रिकॉर्ड हमारा जो है उसमें 42.7 डिग्री 23 फरवरी 1963 में था, फरवरी महीने का। अभी हमारा टेम्परेचर का विद इन सिटी भी वेरिएशन भी है, जैसे हमारा राजीव भवन एरिया में जो हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है उसमें 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम रिकॉर्ड हुआ है, ओएटी एरिया में 36.7, इस तरह से वेरिएशन भी है। अभी हमारा टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर आज नॉर्मल का आसपास ही था, बट यस्टरडे तो हमारा बिलो नॉर्मल था। पर नॉर्मल मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस, जिसको हम लोग डायरनल वेरिएशन कहते हैं, इसका भी डिफरेंस ज्यादा भी है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो इसका वजह से हमारा जो डिस्कम्फर्ट व तकलीफ उसका इस हिसाब से इतना ज्यादा नहीं है हॉट का वजह से। ओनली हमारा दोपहर टाइम में अराउंड नून टाइम में हॉट वेदर फीलिंग्स का है। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट रहेगा, अगला 5 दिन ही सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राई वेदर रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर मेनी प्लेसेस में ही, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ही हमारा 3-4 डिग्रीज तक अबव नॉर्मल रहेगा अगला 3-4 दिन तक, और मिनिमम टेम्परेचर ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। और इसका साथ साथ अभी हमारा हॉट वेदर कंडीशंस विथ अबव नॉर्मल टेम्परेचर बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर कुछ प्लेसेस में होने का चांसेस है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर में खुर्दा, कटक, जाजपुर, भद्रक, केंद्रपरा, बालसोर, अंगुल, मयूरभंज, इंक्लूडिंग हमारा ये भुवनेश्वर सिटी में भी, तो ये अगला 2-3 दिन तक 5 डिग्री और मोर टेम्परेचर, स्वाभाविक से ज्यादा टेम्परेचर रहने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में आज हमारा टेम्परेचर 39-40 का बीच में रहने का चांसेस है, कल भी हमारा इस तरह से रहने का चांसेस है, फिर 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा स्लाइट कम होने का चांसेस है। अभी इसलिए ये सब एरिया में, ये सब डिस्ट्रिक्ट में लोगों को जो है मेनली हमारा 11-15 मीन्स सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, दोपहर का 3 बजे तक अराउंड नून टाइम में प्रिकॉशनरी मेजर बाहर निकालने से महाविकाशन मेजर लेना चाहिए अभी, और बाकी पीरियड में इतना तकलीफ का नहीं है। अभी हमारा भुवनेश्वर सिटी में मेनली क्लियर स्काई रहेगा और ये जो सिचुएशन अभी हो रहा है इसका जो मेन रीजन है, अभी हमारा अपर मिडिल एंड अपर एटमोस्फियर में मॉइस्चर बहुत कम है, नीचे भी ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो इसके वजह से सोलर इंसुलेशन ज्यादा डायरेक्ट हीटिंग हो रहा है और एंटीसाइक्लोनिक फ्लो है हमारा रीजन में, तो इसका वजह से एयर का सब्सिडेंस मोशंस हो रहा है, तो इसका वजह से एडियोबैटिक वार्मिंग एयर का कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है हाई के वजह से, इसका रीजन से अभी है। और अभी 2-3 दिन का बाद फिर विंड पैटर्न में चेंजेस आएगा तो टेम्परेचर स्लाइट कम होने का चांसेस है, बट अबव नॉर्मल टेम्परेचर अभी रहेगा।